जिला कांगड़ा में रविवार रात बारिश और तूफान से जगह जगह पेड़ गिरने से विद्युत बोर्ड को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं मानसून सीजन को लेकर विद्युत बोर्ड ने कमर कसते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्युत बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार जिला भर में तूफान की वजह से विद्युत बोर्ड को 31.728 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। जिला के विभिन्न 8 विद्युत मंडलों में से शाहपुर मंडल को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। जिला के विभिन्न हिस्सों में रविवार रात तूफान के साथ ही गुल हुई विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए विद्युत बोर्ड के कर्मियों ने सोमवार से कसरत शुरू कर दी थी, जिसके चलते रात भर अंधेरे में रहे जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार को आपूर्ति बहाल हो पाई। विद्युत बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार तूफान की वजह से विद्युत लाइनों पर पेड़ गिरने तथा पोल, कंडक्टर और अन्य उपकरणों की वजह से जिला भर में विद्युत बोर्ड को 31.728 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। रविवार रात जिला में आए तूफान की वजह से विद्युत बोर्ड को 31.728 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। सबसे अधिक नुकसान शाहपुर उपमंडल में आंका गया है। मानसून सीजन को लेकर बोर्ड स्टाफ को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा विद्युत बोर्ड मानसून के दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। 28 तारीख को जो आंधी तूफान आया है उसमें जो हमारी जो नेटवर्क है, हमारा इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क है हमारी, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होते हैं, चंबा और ऊना और कांगड़ा। तो उसमें नुकसान हुआ है, हमारी जो लाइनें हैं वो डैमेज होती हैं, उसमें हुई भी हैं। 28 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो रिपोर्ट हमारी प्रिलिमिनरी डैमेज रिपोर्ट वो अभी वहाँ से फील्ड से इकट्ठी होके आ चुकी है, उसके मुताबिक टेंटेटिवली कोई 31 लाख के करीब नुकसान उसका आकलन हुआ था। और लेकिन उसका जो एक रिस्टोरेशन है वो पावर सप्लाई की रिस्टोरेशन जो हमारी कर दी गई है, एक स्थायी तौर पर उसको कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है सारी की सारी जो पावर सप्लाई है रिस्टोर हो चुकी है। हाँ, उसके लिए जो विभाग जो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि मानसून को हम हमेशा फेस करते हैं और बड़ी कार्यकुशलता के साथ हमारे जो फील्ड यूनिट्स हैं वो इसके लिए तैयार रहते हैं। पूरा उनकी पूरी TNP पूरा सिस्टम उनका जो भी है प्रोवाइड किया होता है, सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी के TNP हैं और जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट फील्ड में होती है वो सारी उनको प्रोवाइड कर दी गई है और उसके मुताबिक वो सारे तैयार रहते हैं। और मानसून में वैसे जो बारिश तेज होती है उससे कंपैरेटिवली कम नुकसान होता है, जितना कि आंधी तूफान जो हमारी हवा तेज चलती है जितना नुकसान वो करती है उतना वो तेज बारिश नहीं करती है। तेज बारिश की वजह से हमारा नुकसान जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो हमारे डिफिकल्ट टेरेंस हैं, जो स्लिप्स वाले एरिया हैं, वहाँ नुकसान थोड़ा जब सारी स्लिप कर जाती है तो वहाँ हमारी लाइनें कई बार पोल्स के पोल स्लिप कट करने की वजह से वो बाधित होता है। हाँ जी, वो सारे दिशा निर्देश ऑलरेडी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू होती हैं और उसके लिए सारे वो तैयार हैं।